नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार विश्वकर्मा आज आपके लिए गेज के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। उसको आप लोग करिएगा, इसका आंसर अगले हम वीडियो में देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि फिलर गेज के उद्देश्य क्या होते हैं। पहला क्या है, फिलर गेज के उद्देश्य क्या होते हैं। फिलर गेज के उद्देश्य क्या होते हैं। पहला, ड्रिल होल की गहराई की जाँच, स्क्रू थ्रेड की पिच की जांच, वर्क पीस की त्रिज्या की जांच, मैटिंग भागों के बीच की गैप की जांच। अगला क्वेश्चन है, आकार के सदृश्य के लिए वर्क पीस की जांच के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है। आकार के सदृश्य के लिए वर्क पीस की जांच के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है। आकार की सदस्यता के लिए वर्क पीस की जांच के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है। पहला प्रोफाइल गेज, दूसरा स्नैप गेज, तीसरा क्लियर कैलिपर गेज, चौथा प्रोग्रेसिव गेज। तीसरा क्वेश्चन है, साइन बार के जांच के लिए के दौरान त्रिभुज का कर्ण की एक फॉर्म कौन सी होती है। पहला, साइन बार के साथ जांच के दौरान त्रिभुज का कर्ण की एक फॉर्म कौन सी होती है। सरफेस प्लेट, साइन बार की चौड़ाई, स्लिप गेज की ऊंचाई और साइन बार की लंबाई। ये हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग करिएगा। चौथा है, साइन बार की लंबाई कैसे वर्गीकृत की जाती है। पहला, रोलर के बाहरी बिंदु के बीच की दूरी, मतलब साइन बार की लंबाई कैसे वर्गीकृत की जाती है। पहला, रोलर की बाहरी बिंदु के बीच की दूरी। दूसरा, रोलर के अंदरूनी बिंदु के बीच की दूरी। साइन बार के किनारे के बीच की दूरी। रोलर के मध्य बिंदु के बीच की दूरी। ये इनमें से आपको ऑप्शन करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है। इनवार स्टील का, उच्च स्पीड स्टील का, स्थिर क्रोमियम स्टील का, उच्च कार्बन स्टील का। मतलब हमने बताए थे साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन करिएगा, जंग के विरुद्ध स्लिप गेज की सतह पर लागू किए जाने वाला असुरक्षा कोट किस प्रकार का होता है। असुरक्षित कोट किस प्रकार का होता है। पहला, पेट्रोलियम जेली, ग्रीज, लुब्रिकेंट आयल, CTC। ये आप लोग ऑप्शन करिएगा। सातवां है, इमारतों के आकार को ऊपर ले जाने के दौरान स्लिप गेज एक साथ मिलाकर कौन सा एक्ट करते हैं। ग्लेजिंग, पिनिंग, रिंगिंग, और लोडिंग। इनमें से आपको बताना है, ठीक है। कौन से गेज का उपयोग बाहरी व्यास मापने के लिए किया जाता है, मतलब बाहरी व्यास मापने के लिए कौन से गेज का यूज किया जाता है। तो बाहरी माप मापने के लिए कौन से यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, प्लग गेज, प्लानिंग रिंग गेज, टेपर रिंग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। आपको इसमें ऑप्शन में करना है, ठीक है ना। सतपुड़ा ITI वाले आप लोग क्या है, कमेंट बॉक्स पर इन सब क्वेश्चन का आंसर करिएगा, ठीक है ना। और सतपुड़ा ग्रुप में आप लोग भेज दीजिएगा। नो गो और नो गो गेज एक प्रकार का होता है। गो और नो गो गेज एक प्रकार का कौन सा गेज है। प्लग गेज, स्लिप गेज, रिंग गेज, लिमिट गेज। छिद्र के बाह्य व्यास के मापने के लिए निम्न में से किसका यूज करते हैं।
छिद्र के बाहरी व्यास को मापने के लिए हमने पढ़ाए थे, प्लग गेज, रिंग गेज, स्लिप गेज, स्टैंडर्ड स्क्रू गेज। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स पर, ठीक है। नॉट गेज, नॉट गो सिरे के व्यास को वास्तविक आकार से थोड़ा रखा जाता है, क्यों? नॉट गेज सिरे व्यास को वास्तविक आकार से थोड़ा रखा जाता है, मतलब कि जो उसका नॉट गेट का जो वायर जो सिरा है, व्यास का सिरा है, उसको वास्तविक आकार से थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा क्या रखते हैं, बड़ा रखते हैं कि थोड़ा बड़ा रखते हैं कि छोटा रखते हैं कि समान रखते हैं कि इनमें से कोई नहीं। हमने बताए थे ना, बड़ा रखते हैं, बड़ा रखते हैं मतलब बड़ा रखते हैं, दूसरा छोटा रखते हैं, तीसरा समान रखते हैं, या चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए थ्रेडिंग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि थ्रेडिंग औजार की सही से फिक्स करने के लिए किसका यूज किया जाता है। थ्रेडिंग औजार को सही से फिक्स करने के लिए किसका यूज करते हैं, ट्राई स्क्वायर, थ्रेडिंग गेज, सेंटर गेज, जॉब के फेस से संलग्न औजार। आपको बताना ही ऑप्शन में, ठीक है ना। थ्रेडिंग औजार ये हमने बताया था, थ्रेडिंग औजार क्या है, सही से फिक्स करने के लिए किसका यूज करते हैं, ट्राई स्क्वायर, थ्रेडिंग गेज, सेंटर गेज, जॉब के फेस से संलग्न औजार। चलिए अगला है, थ्रेड स्नैप गेज का उपयोग, थ्रेड स्नैप गेज का उपयोग चेक करने के लिए किया जाता है, मतलब किसका चेक करने के लिए। थ्रेड गेज का उपयोग किस खाली स्थान चेक करने के लिए किया जाता है, बाहरी व्यास, बाहरी चूड़ी, आंतरिक व्यास, आंतरिक चूड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किस यंत्र का उपयोग पहाड़ी और घाटियों के सरफेस को चेक करने के लिए किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस यंत्र का उपयोग पहाड़ी और घाटियों को चेक करने के लिए किया जाता है, एमीटर, डायल गेज द्वारा, बैरोमीटर, प्रोफाइल मीटर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। यदि वायर गेज की संख्या का आकार बढ़ता है तो वायर की मोटाई होगी, यदि वायर गेज की संख्या का आकार बढ़ता है, यदि वायर गेज की संख्या का आकार बढ़ता है तो क्या होगी, पहला कम, अधिक, ना तो कम ना ही अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये आप लोग देख लीजिए, यदि वायर गेज में संख्या का आकार बढ़ता है तो मोटाई क्या होगी, कम होगी कि अधिक होगी, ना तो कम ना तो अधिक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। मतलब कि देखिए, यदि वायर गेज, ठीक है ना, वायर गेज हमने पढ़ाए थे, लेथ मशीन पर रखने के लिए वर्क पीस का टेपर निम्नलिखित द्वारा चेक किया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेथ मशीन पर रखे जाने वाले वर्क पीस के टेपर को किसके द्वारा चेक किया जाता है, तो लेथ मशीन पर रखे वर्क पीस को टेपर प्लग गेज या टेपरिंग गेज द्वारा, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, स्टील रूल और माइक्रोमीटर, साइन बार और स्लिप गेज। टेपर प्लग गेज या टेपरिंग गेज, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, स्टील रूल, माइक्रोमीटर और साइन बार स्लिप गेज, ये हमने पढ़ाए थे, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। SWG का फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड वायर गेज का पूरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज, स्ट्रेट वायर गेज, स्टैंडर्ड विड्थ गेज, इनमें से कोई नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। SWG हमने बताया था, SWG क्या है, सरफेस पर रगड़ने से गेज घिस जाते हैं तो किस धातु उससे बने होते हैं, सरफेस पर रगड़ने से गेज क्या होते हैं, घिस जाते हैं, वो किस धातु के बनाए जाते हैं, मिश्र धातु, ढलवा लोहा, मृदु स्टील, ढलवा लोहा, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बताया थे ये। अगला क्वेश्चन है, साइन बार द्वारा संलग्न कोण को एंगल को सेट करते समय स्लिप गेज की ऊंचाई तथा साइन बार की लंबाई का अनुपात क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन बार द्वारा एंगल को सेट करते समय स्लिप गेज की ऊंचाई तथा साइन बार की लंबाई का अनुपात होता है, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। हमने बताया था ना क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा,
जल्दी आंसर दीजिए। स्पर्श रोलर के सेंटर लाइन और साइन बार के डेटम पृष्ठ होते हैं। स्पर्श रोलर के सेंटर लाइन और साइन बार की डेटम पृष्ठ होते हैं। ऊर्ध्वाधर, लंबवत, झुके हुए, समांतर। स्पर्श रोलर के सेंटर लाइन और साइन बार के डेटम पृष्ठ होते हैं। करिएगा। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान से एक मिनट की सटीकता के लिए एक घटक के कोण मापना संभव है। एक खाली स्थान से एक मिनट की सटीकता के लिए एक घटक के कोण को मापना संभव है। बोवेल प्रोटेक्टर, वर्नियर कैलिपर्स, कॉम्बिनेशन सेट, स्लिप गेज। बताइए। फिलर गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बताए थे आपको फिलर गेज। फिलर गेज को हमने बताया था ना, फिलर गेज को और किस नाम से जाना जाता है? गैप गेज, क्लियरेंस गेज, प्रोफाइल गेज, मोटाई गेज। प्रोफाइल गेज हमने बताए थे ना, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा आप लोग। रेडियस गेज का उपयोग के आकार को चेक करने के लिए किया जाता है। रेडियस गेज का उपयोग खाली स्थान के आकार को चेक करने के लिए किया जाता है। लंबाई, आंतरिक व्यास, बाहरी व्यास, इनमें से कोई नहीं। लंबाई, आंतरिक व्यास, बाहरी व्यास और इनमें से कोई नहीं। एक, दो, तीन, चार, चार ऑप्शन बताइए कौन कौन से आंसर है। चलिए, BIS के अनुसार, BIS IS के अनुसार, BIS IS के अनुसार अनुवांशिक स्लिप गेज कितने ग्रेड होते हैं? कितने ग्रेड की होती है स्लिप गेज? दो, तीन, चार, पाँच। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बताए थे BIS 1984 द्वारा अनुशंसित स्लिप गेज के कितने ग्रेड होते हैं? दो, तीन, चार, पाँच। बताइए जल्दी। किस बाहरी टेपर को जांचने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किस बाहरी टेपर गेज टेपर को जांचने के लिए निम्न में से किसका यूज किया जाता है? टेपर प्लग गेज, टेपर रिंग गेज, स्लिप गेज, थ्रेड गेज। हमने ये बताया था टेपर को जांचने के लिए किसका टेपर प्लग गेज या टेपर रिंग गेज दोनों में से कोई होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। क्या है कि हमने जो 25 क्वेश्चन दिए हैं आपको, तो 25 क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, लगाइएगा और जो और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आंसर दीजिए। जो सतपुड़ा ग्रुप के वाले होंगे वो लोग क्या करें, सतपुड़ा ग्रुप में आप लोग फिटर वाले आंसर दीजिएगा, ठीक है ना, फिटर वाले आंसर दीजिएगा। और ये आपका स्लिप गेज का क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद। चलिए इसके और क्वेश्चन देख लीजिए, हमने जो पढ़ाए थे अभी थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है आप लोगों के, ये क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, 20वां, 22वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो कोई प्रॉब्लम होगी उसको बताइएगा, ठीक है ना। ये है आपके क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए,
धन्यवाद।